अस्सलाम वालेकुम एमबीआर फैमिली। मोटापा कम करने वाले लोगों के लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। अगर किसी तरह टाइम निकाल भी लिया है तो इसे रेगुलर रख पाने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस का सफ़र बीच में ही ख़त्म करना पड़ जाता है। तो अगर आप बिना डाइटिंग और एक्सरसाइज के मोटापा कम करना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए उपाय आपको काफ़ी मदद करेंगे, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जिसने सब्सक्राइब ना करा हो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए जानते हैं। नंबर वन, नींबू के साथ शहद। नींबू और शहद आप जानते हैं इजीली कहीं से भी मिल जाता है और ये अक्सर हमारे घर में होता है, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। विटामिन सी से भरपूर नींबू शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने का काम करता है। दूसरी चीज़ है शहद, जिसमें प्राकृतिक मिठास होती है जो बिना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए वज़न कम करने में मदद करता है। ये थे नींबू और शहद के फ़ायदे, ये इजीली आपको मिल जाएंगे कहीं भी। नंबर टू, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी आप जानते हैं हमारे घर में हमेशा होती है, इनकी सब्ज़ियाँ बनती है, सैलड में भी यूज़ करी जाती है, नहीं हो तो ये इजीली वेजिटेबल्स मार्केट या वेंडर से आप ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं पत्ता गोभी के बारे में। पत्ता गोभी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन कम मात्रा में, तो वहीं फाइबर अच्छी खासी मात्रा में। तो वज़न घटाने के लिए आप पत्ता गोभी से बना सूप, सब्ज़ी व सलाद खा सकते हैं। अगर आप पत्ता गोभी का सूप नहीं पी सकते तो सब्ज़ी खा लीजिए, सब्ज़ी नहीं तो सैलेड में खा लीजिए, बट इसे ज़रूर खाएं। अगर आप नहीं खाते हैं तो आदत डाल लें, ये आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगी। नंबर थर्ड, पानी। पानी आप जानते हैं जिससे हम जिंदा हैं, पानी बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। कुछ खाएं ना खाएं पानी ज़रूर पिए, काफ़ी सारा दिन में अच्छा खासा पानी पीना चाहिए। चलिए पानी के बारे में जानते हैं। मोटापा कम करने के लिए शरीर का हाइड्रेट रहना भी बेहद ज़रूरी है। आप जानते हैं शरीर हमारी बॉडी का हाइड्रेट रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे भी चाहे आप मोटापा कम करें ना करें। दिन में 7-8 ग्लास पानी पीने से पेट भरा हुआ सा महसूस होता है, जिससे भूख कम लगती है। ओवर डाइटिंग से बचा जा सकता है जो मोटापा बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार है। अगर आप पानी अच्छा खासा पी लेंगे तो आपको भूख कम लगेगी, और ऐसा होता है हम दिन का मील अगर स्किप कर देते हैं तो रात में थोड़ा ओवर खाया जाता है, तो उससे भी हम बच जाएंगे, ओवर डाइटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, गाजर। गाजर भी आप जानते हैं हमेशा हमारे घर में अक्सर अवेलेबल होती है, नहीं भी है तो आप वेजिटेबल्स मार्केट से या वेंडर से ले सकते हैं। गाजर हमें ज़रूर खानी चाहिए डेली यूज़ में, चाहे हम सैलेड में खाएं या सब्ज़ी में। आइए जानते हैं गाजर। गाजर भी लो कैलोरी वाली सब्ज़ी है, जिसे खाकर बढ़ते हुए वज़न को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है, जो मोटापे को कम करने का काम करता है। ये था हमारे गाजर के फ़ायदे। तो आप गाजर अगर वैसे नहीं सब्ज़ी में नहीं तो सैलड में ज़रूर खा लें, बट खाएं ज़रूर, या वैसे ही चलते फिरते आप गाजर ऐसे ही वॉश करके खा सकते हैं कट करके। नेक्स्ट, सौंफ। सौंफ आप जानते हैं सौंफ तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ये हमारे घर में अक्सर होती है, और इसे खाने के बाद ज़रूर खाएं, खाना हमारा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है इससे। तो ये जानते हैं सौंफ के बारे में। अतिरिक्त मोटापा घटाने में सौंफ भी बेहद फ़ायदेमंद है। सौंफ फाइबर युक्त होता है जो भूख को नियंत्रित कर वज़न घटाने में मदद करती है। तो ये थे हमारे सौंफ के फ़ायदे। सौंफ आप ज़रूर खाएं, खाना खाने के बाद तो ज़रूर ही खाएं, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी डाइजेस्ट करने में। नेक्स्ट, खीरा। खीरा भी आप जानते हैं हमारे घर में हमेशा होता है, इसकी सैलड तो बनती ही है हर घर में। अगर आप नहीं यूज़ करते तो आज से खाना स्टार्ट कर दें। खीरा कई तरह से वज़न घटाने में मदद करता है, ये कम कैलोरी युक्त होता है, साथ ही इसमें पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, और पानी शरीर के वज़न को नियंत्रित करने का काम करता है। ये था हमारे खीरे के फ़ायदे। खीरा अगर आप वैसे नहीं खा रहे हैं तो सैलेड में ज़रूर खाएं, इस पर सॉल्ट डालकर अच्छे से तो आप खा सकते हैं, और ये खाना चाहिए इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपका वेट लॉस करने में। तो आइए जानते हैं। नेक्स्ट, नींबू पानी शहद के साथ रोज़ सुबह एक गिलास नींबू पानी तैयार करें और उसमें 2 चम्मच शहद डालें, लहसुन चबाएं। लहसुन में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और ये हर रसोई में पाए जाते हैं। हाइड्रेट रहें, ठीक से चबाओ, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें, अच्छी नींद लें, रोज़ व्यायाम करें, गर्म पानी ज़रूर पिएं, चीनी का सेवन बिल्कुल बंद या बिल्कुल कम कर दें, प्रत्येक भोजन में प्रोटीन खाएं, ग्रीन टी पिएं, अधिक फल और सब्ज़ी खाएं। ये थे हमारे मोटापा कम